छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्कूल में तमाम तरह की सुविधा मिले इसके लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसके बाद भी प्रदेश में कई ऐसे स्कूल मिल जाएंगे जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। ज्यादातर स्कूल नगरी ब्लॉक के ही चिन्हित हैं, जहां बच्चे दुर्घटना के साय में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। शिक्षा की नींव प्राथमिक और मिडिल स्कूल होते हैं और इन्हीं स्कूलों में बच्चे डर के साय में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कुछ ऐसा ही नजारा धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्र बिरना सिल्ली गांव का है, जहां बात करने के लिए मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। वहां स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन स्कूल की हालत दयनीय है। यहां के सरकारी स्कूल की छत इतनी जर्जर हो गई है कि मानो कभी भी गिर पड़े। ऐसे में यहां पढ़ने वाले बच्चों को हर वक्त अपनी जान की परवाह सताती है। शिकायत के बाद भी ना तो शिक्षा महकमा और जिला प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर संजीदा है। दरअसल जिले के नगरी इलाके में कई ऐसे स्कूल आपको देखने को मिलेंगे जो काफी ही खस्ता हाल हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि मानो एक तेज आंधी आए और स्कूल तहस नहस हो जाएगा। इसके बाद भी बच्चे मजबूरी में जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये बड़ा सवाल है। पालकों की माने तो स्कूल की दशा को लेकर कई बार जनप्रतिनिधि और प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, बाद इसके भी इस मसले को लेकर कोई गंभीर नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों ने इस स्कूल को तोड़कर नए स्कूल बनाने की मांग शासन प्रशासन से की है। इसके लिए ग्राम पंचायत योजना शैली में भी ग्राम सभा कर प्रस्ताव पारित कर नए भवन के लिए प्रशासन को भेजा जा चुका है। कहाँ कसन कर वो कतगर पाल करा बोते तो जमीन तो नीचे दलदल हवा तो पाल करा कर बोते सूखा कहाँ के बैठे सखी एकर सती जाए जाए भैंस तो तकलीफ होता है बैठे नहीं सके नहीं पढ़े वो ये सर्वण मार काम कर गल जाए वो गल ए, ए दिस लेकिन बनाते नहीं है तब कसन कर भी दिक्कत ता मास्टर मन का वो ना तो तनका देता है ता वो बैठे वो मंडरा आता है ता चलो जाए पूछता अपना शिकायत लेकर स्कूल जर्जर भवन प्राथमिक साल ठोटा झरिया का इस शिकायत लेके आया हूँ मैं और कई बार आवेदन दे चुके हैं। इस आवेदन का कोई सुनवाई नहीं हुआ है और आज सीओ को भी दिए हैं और विधायक को भी दिए हैं बीओ ऑफिस में भी दिए हैं इतना तक भी शिकायत नहीं मिला है। हम लोग की हमारा नया स्कूल भवन बने ये पुराना स्कूल पूरा जर्जर हो गया सर पूरा गिर है छड़ बड़ ये सर 1996 का है 22 साल में पूरा इतना जर्जर हो चुका है। हाँ जी बच्चों का खतरा बना है छड़ भी दिख रहा है सर परेशानी वहाँ बैठने में भी दिक्कत है सर हो सकता है किसी बच्चे के ऊपर गिर जाएगा मटेरियल वगैरह ये खतरा है। बच्चे हैं सर 37 बच्चे। बहरहाल शिक्षा विभाग जांच के बाद स्कूल को तोड़ने की बात कह रहे हैं। बताया गया है कि अभी वर्तमान में 100 से अधिक स्कूल जर्जर की स्थिति में हैं। हाँ भवन के फोटोग्राफ्स मैंने देखे हैं फोटोग्राफ्स के सबसे भवन अति जर्जर महसूस हो रहा है। कलेक्टर साहब से हमने पहले भी नगरी क्षेत्र के स्कूलों में 70 के करीब हमारे जर्जर भवन है 27 के करीब अति जर्जर भवन है इसकी जानकारी मैं दे चुका हूँ और कलेक्टर साहब ने DMF से कम अस्थायी सेट निर्माण या DMF से एक अतिरिक्त देने की उन्होंने हामी भरी है। उसका प्रस्ताव हम जब बना रहे हैं बुधवार को योजना मंडल की जो बैठक है उसमें प्रस्ताव देंगे। अभी कुछ सालों में लघु मरम्मत के माध्यम से जो अति आवश्यक सुधार है वो कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं और लघु मरम्मत की राशि भी अभी जारी कराई जा रही है शाला प्रबंध समिति के नाम। शाला प्रबंध समिति स्कूल की जैसी व्यवस्था है उस राशि में उसको जितना भी सुधार कर सकते हैं उतना सुधार कर सकें। नवीन भवन की स्वीकृति राज्य शासन से DPI से होती है। प्रस्ताव लगातार भेजे जाते हैं लगातार भेजे जा रहे हैं और नवीन भवन जैसे आप देखें कि नगरी क्षेत्र के ही स्कूल अति जर्जर क्यों हैं मगर लोड धमतरी या कुरुद में स्कूल अति जर्जर क्यों नहीं है। वो ट्राइबल से हमारे विभाग को आए हुए स्कूल हैं। ट्राइबल ने पहले उस समय क्या व्यवस्था थी मैं नहीं कह सकता लेकिन हम उसमें धीरे धीरे सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। DMF फंड से स्कूलों की रिपेयरिंग की बात कही जा रही है लेकिन नए भवन के लिए अभी तक जर्जर स्कूल को लंबे समय का इंतजार करना होगा। तब तक बच्चे खतरे के साए में पढ़ने को मजबूर होंगे। धमतरी से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।